बच्चों मेरे वालों तुहानू सब नू प्यार भरी सत श्री अकाल। अज असी जमात पंजवीं दी पंजाबी दी पाठ पुस्तक अरदास विचला पाठ 16 ताजमहल दी इतिहासक यात्रा पढ़ांगे। ताजमहल बारे तुसी सब ने सुनिया ही होवेगा कि यह साडियां इतिहासक इमारतों विचों एक इमारत है जिसनों कि मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ की याद विच बनवाया सी अते ए आगरा विच स्थित है। इस पाठ विच ताजमहल की सैर का वृतांत दिता गया है। यह भी दसिया गया है कि अजिहे सैर सपाटे विद्यार्थी जीवन विच करने बहुत जरूरी हैं क्योंकि विद्यार्थियों नूं इतिहासक स्थानों बारे पता होना चाहिए है, अपने इतिहास बारे पता होना चाहिए है अते इतिहासक स्थानों की यात्रा नाल बच्चों नूं इतिहासक स्थानों बारे जानने दा ते उन्हां नूं देखण दा मौका मिलता है। प्यारे बच्चों विद्यार्थी जीवन विच इतिहासक स्थानों की बड़ी महत्ता है, इस करके स्कूलों विच हर साल विद्यार्थियों लई सैर सपाटे के प्रोग्राम बनाए जाते हैं। इन्हां सैर सपाटियां नाल विद्यार्थियों अंदर ताजगी तो आती ही है, उस दे नाल नाल उन्हां नूं इतिहासक स्थानों बारे जानकारी भी हासिल होंदी है। अजिहियां इतिहासक गल्लां वार वार पढ़न ते भी याद नहीं हुंदियां, ओह अखी देख के हमेशा लई जहन विच बैठ जांदियां हन। जहन तो भाव है दिमाग, भाव कि जिहड़ियां बच्चे गल्लां याद करदे ने वार वार पढ़ के याद करन दी कोशिश करदे ने ओह इतिहासक गल्लां जिहड़ियां बच्चों नूं याद पढ़न नाल नहीं हुंदियां जिन्नी चंगी तरह उन्हां दे दिमाग विच उन्हां नूं देख के बैठ जांदियां ने। इसलिए जदों बच्चे किसी इतिहासक स्थान ते जांदे हन तां उस नूं देख के ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਗਈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਆਗਰੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 400 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਬੇਗਮ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। असी पंजवीं जमात दे 40 बच्चे अपने दो अध्यापकां नाल छत्तीसगढ़ एक्सप्रैस राही आगरे पहुँचे। उत्थों असी सीधे वैभव होटल विच जाके रुके। उन्हां दिनां विच कुदरती चांदनी रात सी। सानू साडे अध्यापकां ने दस्या होया सी कि ताजमहल वेखण दा मज़ा चांदनी रात विच ही आउंदा है। चंद्रमे दी रोशनी जदों चिट्टे चिट्टे संगमरमर ते पैंदी है तां ओह होर खूबसूरत लगन लगदा है। खूबसूरत तो भाव है कि सोहना लगन लगदा है। जदों चिट्टे चिट्टे संगमरमर उपर चंद दी रोशनी पैंदी आ तां ओह होर भी जगमग जगमग कर उठदा है। इस लई रात दी उड़ीक विच सब विद्यार्थी अपने अपने कमरियां विच आराम करन लगी। रात नूं तैयार बैर हो के असी सारे विद्यार्थी पुरानी मंडी वाले पास्यों ताज महल दे बाहर पुजे। उत्थों असी ऊठ रेड़े बैटरी नाल चलण वालियां गड्डियां राही उत्थे पुजे जिथों टिकटां मिल रही सन। उत्थे बहुत लंबी लाइन लगी हुई सी, असी भी लाइन विच लग के टिकटां लईयां। उत्थों ही असी एक गाइड कीता ते प्रवेश द्वार ते जाके लाइन विच खड़े हो गए। गाइड तो भाव कि जिहड़ा व्यक्ति उत्थों दीआं चीज़ां बारे दसदा है, उत्थों दीआं जगह बारे दसदा है, लैके जांदा है कि हुण इत्थे चलो इधर ये चीज़ देखण वाली है, उसनूं गाइड कहिंदे हन, गाइड करन वाला। ते प्रवेश द्वार तो भाव है अंदर जाण दा रस्ता, अंदर जाण वाला दरवाजा। उत्थों पुलिस कर्मचारी सब दी चैकिंग करके अंदर भेज रहे सन। साडी भी चैकिंग कीती गई, चैकिंग भाव पुछ पड़ताल करनी, पुछ पड़ताल हुई सब दी। जदों असी प्रवेश द्वार द्वारा अंदर दाखिल होए तां सामने चिट्टे चिट्टे संगमरमर दा बनिया ताजमहल झलका मारदा विखाई दिता। चंद्रमे दी रोशनी विच तां ओह वाकया ही बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा सी। असी देखिया उत्थे चारे पासे एक बहुत ही सुंदर बाग बनिया होया सी। प्रवेश द्वार तो लै के
ताज महल की इमारत तक फुहारे चल रहे सन जो गर्मी के मौसम विच ठंडक दे रहे सन। सारे बाग विच मखमली घा विछी हुई सी, मखमली भाव नरम नरम, सारे बाग विच नरम नरम घा विछी हुई सी। रास्ते दे दोही पासी तरह तरह के सजावटी पौधे लगे हुए सन। असी उत्थे बाग दे अंदर जाके बेंचां उपर बैठ गए। असी बड़े प्यार नाल ताज महल नूं निहार रहे सां, निहार रहे सां भाव देख रहे सां। असी वेख्या ताज महल बाग दी सतह तों 6 मीटर दी उचाई ते एक चबूतरे उपर खड़ा है। चबूतरे दे चौहां कोनियां ते 4 मीनार बने हुए हन। जिमें कि तुसी फोटो दे विच देख रहे हो ताज महल दी विच कि इहदे चारे पासे 4 मीनार बने हुए हन। ये वाले चारे इन्हां नूं 4 मीनार आखदे हन। 4 मीनार बने हुए हन अते सानू गाइड ने दसिया कि इन्हां मीनारां दी उचाई लगभग 20 मीटर दे करीब है। इन्हां उत्ते चढ़न लई पौड़ियां ते छज्जे बने हुए हन। ताज महल दे चबूतरे ते चढ़न तो पहलां साडियां जुत्तियां लुहा दित्तियां गईयां तां कि गंद ना पै सके। असी घूमदे फिरदे ताज महल दे अंदर गए। अंदर असी जाण लगे ते मुमताज अते शाहजहां दियां कबरां बणियां दिखियां। उन्हां कबरां ते असी मीनाकारी अते जाली आदि दा कम देख के हैरान रह गए। सानू गाइड ने दसिया कि इसनू उस वेले 20,000 मजदूरां ने दिन रात कम करके 20 सालां विच पूरा कीता सी। उस वेले इस उत्ते करोड़ां रुपए खर्च आए सन। उन्हां समयां दे विच करोड़ां रुपए दा मुल देखो अज दे समें नालों किन्ना ज़्यादा होवेगा। अज दे समें विच करोड़ रुपया भी किन्ना ज़्यादा ते उन्हां समयां विच तां करोड़ रुपया होर भी ज़्यादा होवेगा। इसलिए उस वेले भी इस उपर कहिंदे करोड़ां रुपए खर्च आए सन। ताज महल देखदियां सानू अद्धी रात हो गई सी। साडा उत्थों आउण नूं दिल तां नहीं सी करदा क्योंकि उसदे बंद होण दा समां हो चुका सी। इस लई मजबूरन सानू आउणा ही पिया। बाहर आ के असी ऑटो रिक्शा विच बैठे ते होटल पहुँच गए। अगले दिन असी अकबर बादशाह दी राजधानी फतेहपुर सिकरी दियां इमारतां देखियां ते वापस आ गए। साडी ए यात्रा वाकया ही बहुत मज़ेदार रही, मज़ेदार भाव आनंदमयी रही। उन्होंने अपनी इस यात्रा का पूरा आनंद माणिया। उम्मीद है कि इस लैसन तो इस पाठ तो तुहानू भी बहुत आनंद आया होगा ते ताज महल की इमारत बारे पढ़ के सुन के तुहानू भी बहुत चंगा लग्या होगा।